हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी और सी सेट पेपर टू की T5 सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो बच्चे, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का टॉपिक ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और काफ़ी कंसेप्ट भी क्लियर किए थे। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। देखो, सभी को पता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इन पे फास्ट फास्ट एक बार कर लेते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, ओके जी। तो देखिए क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता है क्या है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस। अब अगर मुझे स्पीड फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, हाँ जी सभी को पता है कि इधर ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। सेम वे अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है, देन कैसे करोगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। क्लियर है, हाँ जी। अब उसके बाद में आपको जो ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन है या स्पीड एंड डिस्टेंस में बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है, तो जो मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि सभी की सभी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं, इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, अगर मान लीजिए मेरी स्पीड किलोमीटर पर आर के अंदर है, बच्चे मान लो मैं कहती हूँ कि मेरी स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आर, ठीक है, और मेरे पास में जो टाइम है वो है टी सेकेंड्स, ठीक है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये एक्स है बच्चे, हाँ जी, और मैं क्या फाइंड आउट करना चाहती हूँ, हाँ जी, डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है, कि टी सेकेंड के अंदर एक्स किलोमीटर पर आर की स्पीड से मैं कितना डिस्टेंस कवर करूँगी। तो उस केस के अंदर देखिए, यहाँ पे आपको जो यूनिट्स है उनको सेम रखना है, जैसे यहाँ पे किलोमीटर पर आर में है, ये सेकेंड में है, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकेंड। किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड, एंड टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आर इनटू मीटर पर सेकंड यू विल मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर पर आर मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है जी। जब आप 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। क्लियर है, हाँ जी। सेम वे अगर आपकी स्पीड पहले से ही मीटर पर सेकंड में गिवन है, लाइक एक्स किलोमीटर पर सेकंड गिवन है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आर में, किलोमीटर पर आर में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप, 18/5 से उसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आर। क्लियर है, हाँ जी। देखिए अब बच्चे, देखो अब एक बार दोबारा साफ साफ देख लेते हैं मेजरमेंट की कन्वर्जन। अगर किलोमीटर पर आर में है तो क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इफ़ यू हैव द स्पीड इन मीटर पर सेकंड एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आर, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 18/5। कई बार बच्चे 18/5 में थोड़ा सा भूल भी सकते हैं कि हाँ जी 18 था, 16 था या कुछ इस तरह से, तो उस केस में आपको पहले पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। सभी को पता है, देखो ये है एक्स किलोमीटर पर आर है, ठीक है जी। पर आर का मतलब क्या होता है, पर मतलब होता है बच्चा बटा, ठीक है, पर आर, ठीक है। अब इस किलोमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 5/18। क्लियर है, 5/18 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, या यहाँ पे हम 5/18 से क्यों डिवाइड, 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके जी, हाँ जी। उसके बाद में एक और पॉइंट है रिलेटिव स्पीड का, क्योंकि जब हम ट्रेन पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्पीड में क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी, एक ऑब्जेक्ट मेरा इधर मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मेरा इधर मूव कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, अपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेरे मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये एक्स किलोमीटर पर की स्पीड से है, दूसरा मेरा वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो तो मेरा दूसरा वो ऑब्जेक्ट है वो भी मेरा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
मीन्स ये एक्स की स्पीड से जा रहा है और ये वाई की स्पीड से जा रहा है। ये हमारा मतलब क्या है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है जी। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चे, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। क्या होगी, एक्स माइनस वाई। मीन्स जो भी स्पीड आपकी ज़्यादा है उसमें से आपको जो स्मॉलर स्पीड है उसको माइनस कर देना है, दैट विल बी योर रिलेटिव स्पीड। क्लियर है? हाँ जी। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देन द रिलेटिव स्पीड विल बी एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। इस केस में क्या हो जाएगी बच्चे, एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। और जो ये वाला केस था इसमें कितने क्या हो जाएगी आपकी, एक्स माइनस वाई। क्लियर है? अब एक पॉइंट और बस, उसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। पॉइंट क्या है, देखिए, अगर आपके पास में एक ट्रेन है, ठीक है, वो मूव किसको कर रही है, मान लो उसको क्रॉस करना है, ये मेरी ट्रेन जा रही है, ठीक है जी। अब इस ट्रेन ने क्रॉस किसको करना है, जब इसको इसने अगर एक किसी पोल को क्रॉस करना है या फिर किसी ट्री को क्रॉस करना है, मींस एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी नेग्लिजिबल लेंथ है, देन द टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपका, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्लियर? हाँ जी बच्चों, को यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैडम डिस्टेंस क्या लें। तो अगर बच्चे आपके एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं हम एल है, और ये ट्रेन किसको क्रॉस करना चाह रही है, इफ़ द ट्रेन क्रॉसेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ लाइक पोल, ट्री और मैन, देन द टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। बट इफ द ट्रेन क्रॉसेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरेबल लेंथ लाइक ए प्लेटफॉर्म, टनल और सम अदर ट्रेन, देन द टोटल डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना होएगा टोटल डिस्टेंस आपका, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके जी, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए ट्रेन क्रॉसिज ए मैन विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। मीन्स जो ट्रेन है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। अब देखो, सबसे पहले तो अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इनकी यूनिट सेम नहीं है, उनको हमें सेम करना है। जब तक सेम नहीं होंगी तब तक क्वेश्चन नहीं होएगा, ठीक है। पर पहले अभी पूरे क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज 50% मोर लेंथ देन इट इफ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। क्लियर? क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है उस जो कि 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है, एक मैन को 15 सेकंड के अंदर क्रॉस कर देती है। जब हमें स्पीड पता है बेटा, ठीक है जी, टाइम पता है, तो हमें डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द ट्रेन इज क्रॉसिंग ए मैन, दैट मीन्स जो भी आपका डिस्टेंस आएगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। डन? अब देखिए, हमारे पास में जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है, ठीक है, तो वो स्पीड ऑफ द ट्रेन किस में दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आर है, ठीक है जी, किलोमीटर पर आर। अब जो टाइम है हमारा सेकंड में गिवन है, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड, एंड टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड यू विल मल्टीप्लाई बाय 5/18। ओके जी, देन ये हो गया आपके पास में 4 से कट और वैल्यू के आगे आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? नाउ द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम इज, टाइम कितना गिवन है, 20 सेकेंड्स एंड द टाइम, सॉरी 15 सेकेंड्स। क्लियर? ओके जी, देन हमारे पास में लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, दैट मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 20 इंटू 15, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 300 मीटर। डन? अब आगे क्वेश्चन है,
फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज 50% मोर लॉन्ग देन इट, मीन्स जो सेकेंड ट्रेन है, जो एक दूसरी ट्रेन है जिसको इसको क्रॉस करना है, उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ जो ट्रेन टू है उसकी लेंथ कितनी है, इससे 50% ज़्यादा है। 50% मीन्स 150 मीटर ज़्यादा है, 150 मीटर ज़्यादा है, दैट मीन्स कितनी हो गई, 450 मीटर हो गई बच्चे। नाउ दिस फर्स्ट ट्रेन विल क्रॉस द सेकेंड ट्रेन, नाउ द टोटल डिस्टेंस विल बी, जो टोटल डिस्टेंस है मैंने अभी बताया था कि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास में, डिस्टेंस दोनों जो ट्रेन है उनकी टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चे, 750 मीटर। 750 कैसे आया, 300 मीटर प्लस 450 मीटर इज इक्वल टू 750 मीटर। ओके जी, एंड द स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड तो वही रहेगी, हमें पता है कितनी है स्पीड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको, तो टाइम क्या होता है बच्चे, टाइम इज इक्वल टू है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास में आ गया बच्चे 37.5 सेकेंड्स। क्लियर, हाँ जी। तो अब अपने ऑप्शंस देख लेते हैं हम, कौन सी है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 37.5 सेकेंड्स, डन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है, कह रहा है टू ट्रेन्स फॉर दिल्ली लीव जयपुर एट 8:30 AM एंड 9 AM एंड ट्रेवल एट 60 km/h एंड 75 km/h रेस्पेक्टिवली, हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द टू ट्रेन्स मीट, दोनों की दोनों ट्रेन जयपुर से कितनी दूरी पे मिलेंगी। क्लियर, हाँ जी। तो देखिए अब हमारे पास में ये लगा लीजिए, ये है आपका दिल्ली, सॉरी जयपुर से ली हुई है, तो ये है आपका जयपुर, ठीक है, और यहाँ पे है बच्चे आपके दिल्ली। क्लियर, अब दो ट्रेन जा रहे हैं, एक ट्रेन हमारी 8:30 AM पे चली है, ठीक है, और कितनी स्पीड है उसकी, 60 km/h, कितनी है, 60 km/h, और जो सेकेंड ट्रेन है वो हमारी 9 AM पे चली है, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है आपकी, 75 km/h। हाँ जी, क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द टू ट्रेन्स मीट, जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है कि दो ट्रेन्स कब मीट करेंगी, तो उस केस में आपने क्या ध्यान रखना है कि पहले ये देखना है कि जो ट्रेन पहले चली है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जब दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया, क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड है बच्चे, रिलेटिव स्पीड कब हम कंसिडर करते हैं, व्हेन द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। क्लियर, अब यहाँ पे देखो 8:30 पे हमारे पास में जो ये हमारी फर्स्ट ट्रेन है ये चल पड़ी है 60 की स्पीड से, ठीक है, बट इस टाइम पे जो हमारी सेकेंड ट्रेन है दैट इज नॉट मूविंग, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमने पहले ये देखना है कि जब सेकेंड ट्रेन चलेगी उस टाइम तक फर्स्ट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे देखिए कि आधे घंटे में, एक घंटे में कितना चल रही है वो 60 किलोमीटर, ठीक है जी, पर आर का मतलब होता है एक घंटे में, 60 किलोमीटर एक घंटे में मूव कर रही है, तो आधे घंटे में कितना मूव करेगी, 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर इसने 9 o'clock तक, मान लेते इस ट्रेन का नाम ले लेते बच्चे ए और ये है बी, ठीक है, दैट मीन्स 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स के अंदर जो हमारी ए ट्रेन है, ए ट्रेन कवर द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, हाँ जी 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, दैट मीन्स 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी।
ठीक है जी। अब उसके बाद में हमारी 9 o'clock दोनों की दोनों ट्रेन चल रही है। अब जब 9 o'clock दोनों ट्रेन चल रही है और दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि आपस में मिलने के लिए इनको कितना डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से कवर करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर का, ठीक है जी। तो रिलेटिव स्पीड आप फाइंड आउट करोगे, तो मैंने बताया था आपको कि जो रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, तो इफ़ योर ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई बच्चे, 75 माइनस 60, ठीक है जी। देखो ये ट्रेन मेरी यहाँ पे पहुँच गई है, अभी दूसरी ट्रेन ने चलना शुरू किया। अब ने इसने इसको पकड़ने के लिए क्या करेगी, रिलेटिव स्पीड से इसको मूव करेंगे। तो यहाँ से देखिए अपना कितना आ गया, ये आ गया बच्चे 50 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब ये कितनी देर के बाद मिल जाएगी, तो टाइम क्या होता है हमारा कि कितनी देर के बाद मिलेंगी वो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस टू बी कवर डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। दैट मीन्स आफ्टर 2 आवर्स बोथ द ट्रेन्स विल मीट, क्लियर। अब अगर अपना क्वेश्चन होता कि हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम द बोथ ट्रेन्स विल मीट, तो हम क्या कहते हैं, आफ्टर 2 आवर्स बोथ द ट्रेन्स विल मीट, ओके जी। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द 2 ट्रेन्स मीट। तो अब देखो जयपुर से, ये है जयपुर, ठीक है जी। अब ये जो ट्रेन है कितनी देर के बाद मिल रही है, 2 घंटे के बाद। दैट मीन्स अब यहाँ पे 9 बजे हमारी ये वाली ट्रेन चली थी 75 किलोमीटर की स्पीड से। दैट मीन्स आफ्टर 2 आवर्स ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, हाँ जी देखिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 72 × 2 दैट मीन्स 150 किलोमीटर, ठीक है जी। अब अगर आप बी ट्रेन से फाइंड आउट करोगे तो भी आपका 150 किलोमीटर आएगा। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, मैडम आपने बी से क्यों लिया, ए वाली से भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखो बेटे 2 घंटे अगर हम ए का लेते हैं तो 2 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर ये हो गया आपका, और 30 किलोमीटर वो पहले मूव कर चुकी है, तो टोटल कितना हो गया, 150 किलोमीटर। दोनों केसेस में क्या आएगा, 150 किलोमीटर, क्लियर, ओके जी। दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूँ, देखो क्या है कि फर्स्ट ट्रेन 8:30 पे चली है, सेकंड ट्रेन 9 o'clock चली है। अब उस केस के अंदर जिस टाइम तक बी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया और उस टाइम तक ए ने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बाद में बी भी चलने लगी। अब दोनों ट्रेन आपकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और अब उन्होंने रिलेटिव स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करना, जितना उन दोनों के बीच में अभी दूरी है, ठीक है, और वो दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड बिकॉज बोथ आर ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो रिलेटिव स्पीड विल बी 15 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम विल बी 30 / 15, दैट मीन्स 2 आवर्स, क्लियर। दैट मीन्स आफ्टर 2 आवर्स द बोथ ट्रेन्स विल मीट एंड इन 2 आवर्स द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। सो द ट्रेन is 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर when the 2 trains meet, क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ए ट्रेन ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर लीव्स दिल्ली एट 9 AM। कह रहा है एक ट्रेन है वो 20 किलोमीटर स्पीड से 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, और किस टाइम पे इसने चलना शुरू किया है बच्चे, 9 AM, क्लियर। अब देखो आगे कह रहा है कि अनदर ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन है ट्रेवलिंग 35 किलोमीटर पर आवर एट 2 PM, 2 PM दैट मीन्स एक कोई दूसरी ट्रेन है वो जो कि 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और इसने 2 बजे चढ़ना शुरू किया है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। एट व्हाट टाइम विल दे मीट टुगेदर, दोनों कब मिलेंगी। अब देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे था हमारा कितनी दूरी पे मिलेंगी,
ठीक है, यहाँ पे है कि किस टाइम पे मिलेंगी, बट कंसेप्ट सेम यूज हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये देखना है कि जब हमारी दोनों ट्रेन्स मूव कर रही होंगी उस टाइम तक जो ट्रेन पहले चलना शुरू हुई है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारी ट्रेन ए है वो 9 AM पे स्टार्ट हो चुकी है एंड द ट्रेन बी इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म एंड इट विल स्टार्ट एट 2 PM। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो 2 बजे तक जो ए ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस, हाँ जी बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। पहले तो ये देखो कि 2 बजे तक कितना टाइम हो गया, 9 o'clock आपकी ट्रेन चली, एक दूसरी 2 बजे चली है, कितने घंटे हो गए, हाँ जी बताइए। तो देखो बच्चे आपके 5 hours हो गए, 9 से 12 3 घंटे हो गए और 12 से 2 2, दैट मीन्स 5 hours हो गए आपके। तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जितनी उसकी स्पीड थी 25 × 5, दैट मीन्स कितना डिस्टेंस आ गया आपके पास में, 125 किलोमीटर। मीन्स जिस टाइम पे ट्रेन बी है वो स्टार्ट हुई है उस टाइम तक ट्रेन ए 125 किलोमीटर आगे जा चुकी है। अब ट्रेन बी ने ट्रेन ए को पकड़ना है तो वो उससे ज़्यादा स्पीड से चलेगी। अब दोनों मिलेंगे कैसे, तो उसके लिए अगर हमने टाइम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटे, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो जो स्पीड है वो हमेशा हम कौन सी लेते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड, बिकॉज बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स द रिलेटिव स्पीड विल माइनस एंड द रिलेटिव स्पीड इन दिस केस इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके जी। अब देखिए टाइम कितना लगा इसको, टाइम कितना आ जाएगा, 125 / 10, दैट मीन्स बच्चे कितना टाइम लगा उसको, 12.5, मीन्स 12.5 घंटे लगे। 12.5 घंटे मीन्स 12 घंटे पूरे लग गए उसको और आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, आधा घंटा मीन्स 30 मिनट्स उसको एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये जो आपका टाइम है कितना, अब 12.5, तो 30 मिनट्स कैसे आया, देखो बेटा 12 आर तो पूरे हैं। ठीक है जी, अब ये जो 5 है, ठीक है 0.5, अब हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करते हो तो देखो कितना आ गया ये, क्योंकि इसको आप 50 मिनट्स नहीं ले सकते, इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स कितना आ गया बच्चे, ये 30 मिनट्स। तो अब कितनी देर के बाद मिलेंगी, 12 hours and 30 minutes के बाद मिलेंगी। अब देखो 2 PM के बाद में 12 hours मतलब क्या हो जाएगा, 2 PM के बाद 12 hours के बाद में क्या टाइम होगा आपका, 2 AM हो जाएगा, 2 AM और साथ में 30 मिनट्स और आगे, तो 2:30 AM। तो कब मीट करेंगे, 2:30 AM। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो यहीं पे ही समझ आ गया होगा, 12.5 घंटे 2 बजे के बाद में, अगले 12.5 घंटे के बाद में क्या टाइम होगा, 2:30 AM होगा। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चे, देखो कह रहे टू प्लेसेस पी एंड क्यू आर 160 किलोमीटर अपार्ट, दो प्लेस हैं ए एंड बी, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 162 किलोमीटर अपार्ट। क्लियर, टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू टुवार्ड्स ईच अदर, एक ट्रेन है पी, उसने यहाँ से इधर चलना शुरू किया है, ठीक है जी, और एक ट्रेन है क्यू, उसने इधर चलना शुरू किया है, यही कह रहे हैं टुवार्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ उन्होंने चलना शुरू किया एट द सेम टाइम, दैट मीन्स बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग एंड वी विल कंसीडर द रिलेटिव स्पीड एंड द रिलेटिव स्पीड इन केस ऑफ द ओपोजिट डायरेक्शन विल एड टुगेदर।
डन एंड मीट आफ्टर 6 आवर्स, 6 आवर के अंदर वो आपस में मिल गई हैं। तो 6 आवर के अंदर मिल गई तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी बच्चे? हाँ जी देखो, डिस्टेंस हमें पता है एंड वी ऑल्सो नो द टाइम आफ्टर विच द ट्रेन्स आर मीटिंग, दिस इज 6 आवर्स, यूनिट्स आर सेम, दैट मीन्स द रिलेटिव स्पीड विल बी 162 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया आपके पास में बच्चे ठीक है, ये हो गया 6 2 जा आपका 12 एंड 6 7 जा 42। ठीक है जी, तो रिलेटिव स्पीड कितने आ गया आपके 27 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है जी, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर, लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए इज एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज एक्स प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है बच्चे 2x, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x + 8 इज इक्वल टू 27 किलोमीटर। अब ये 8 इधर आके आपका माइनस हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 19/2। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 9.5 किलोमीटर पर आर। अब जो ये वाली ट्रेन थी हमारी पी ट्रेन, उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आर, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द वन ट्रेन इज 9.5 किलोमीटर आर एंड द सेकेंड ट्रेन, दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, हाँ जी x प्लस 8, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन विल बी 17.5 किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन क्या कह रही है कि एक ट्रेन की स्पीड है 17.5 किलोमीटर पर आर और दूसरे कितनी है 9.5 किलोमीटर पर आर, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे आपकी दोनों ट्रेन्स मूव कर रही थी, ठीक है, और हमने माना कि एक दो ट्रेन है वो x किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है और दूसरी x प्लस 8 की स्पीड से जा रही है, बिकॉज इन द क्वेश्चन गिवन दैट वन ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आर फास्टर देन द अदर। क्लियर, एंड द रिलेटिव स्पीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी गेट 162 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आर एंड बाई अज्यूमिंग x एंड x प्लस 8, दिस इज 2x + 8, सो वी गेट x इज इक्वल टू 19/2 इज इक्वल टू 9.5 किलोमीटर पर आर एंड द स्पीड ऑफ द नेक्स्ट ट्रेन इज 17.5 किलोमीटर पर आर। क्लियर है, ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बच्चे। अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, हम अच्छा कुछ करा रहे हैं आप लोगों को, तो क्लास को जरूर शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लें आप, और जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे ये है कि सारे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे और इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। लाइक आपको दूसरा कोई टॉपिक देखना है, लाइक DI आपने देखनी है तो DI का टॉपिक भी इसके अंदर ही है हमारा, ठीक है जी। आपको टाइम एंड वर्क पर काम करना है तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के हमारे हैं, तो ये T5 नाम की हमारी सीरीज है, इसके अंदर आप सारा कुछ ले सकते हो, तो रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। क्लियर, ओके, तो बच्चे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि टू ट्रेन्स कैन क्रॉस ए पोल इन 4 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली, दो ट्रेन्स हैं, ठीक है जी। एक जो ट्रेन है, मान लेते हैं पहली ट्रेन का नाम ले लेते हैं हम T1, ठीक है, वो आपकी 4 सेकेंड्स के अंदर क्रॉस कर रही है, ठीक है, और जो ट्रेन टू दूसरी ट्रेन है वो 6 सेकेंड्स के अंदर इसको क्रॉस कर रही है। क्लियर, फाइंड इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन एंड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर इन रेशियो 7:9। अब देखो बेटा यहाँ पे ना तो हमें लेंथ ऑफ ट्रेन पता है,
ठीक है जी, ना हमारे पास में स्पीड गिवन है, बट हमारे पास में क्या गिवन है, रेशियो ऑफ द स्पीड्स, ठीक है। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ, दैट मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन वन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन टू, इन दोनों की रेशियो क्या है, 7:9 है। दैट मीन्स यू कैन से दैट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 7x मीटर पर सेकेंड। यूनिट आप अपनी मर्जी की ले सकते हो, क्योंकि जब रेशियो में होता है बेटा तो अपने जो यूनिट्स है वो भी कट हो जाएगी, जो भी आप वेरिएबल लेते हो साथ में वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। और जो दूसरी ट्रेन है उसका हम ले लेते हैं कितनी है, 9x, हाँ जी क्लियर है, 7x एंड 9x, ये क्या है, स्पीड है। तो पहले की स्पीड आ गई 7x, दूसरे की स्पीड आ गई हमारे पास में 9x। सो द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन, डिस्टेंस या आप ये कह सकते हो लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन विल बी 4 × 7, दैट मीन्स 28x। 28x कैसे आया बेटा, टाइम है आपके पास में 4 सेकेंड एंड स्पीड इज 7x, तो 7 × 28, तो कितना आ गया, 28x आ गया, ठीक है जी। और हमारे पास में लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन, डी इज द लेंथ, क्लियर, तो वो कितने आ गए आपके पास में, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 6 सेकेंड × 9x, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास में 54। आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, ईच अदर मीन्स एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है, दैट मीन्स द टोटल डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, मीन्स यू विल एड द लेंथ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो पहले का है 28x, दूसरी का है 54x, तो टोटल कितना हो गया बच्चे आपके पास में, ये हो गया 2 और ये हो गया 5 × 7 = 8, 82x, डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास में 82x, एंड बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो यहाँ पे आपने कहा है, इसने कहा है फाइंड हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम डायरेक्शन द रिलेटिव स्पीड माइनस, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गया आपके पास में 2x, सो द टाइम विल बी, टाइम कितना लगेगा 82x डिवाइडेड बाई 2x, ये आपका बच्चे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपके पास में 41 सेकेंड। दैट मीन्स दे विल क्रॉस ईच अदर इन 41 सेकेंड, तो आंसर क्या आ जाएगा, 41 सेकेंड, क्लियर। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।